मुझे प्रार्थना नहीं मालूम, मुझे अपना पूजा का प्रार्थना मालूम था, जो सुबह उठ के अग्नि ना देव मानस्तु शत्रुवस्से गतोरणे, यही मालूम था मुझे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस उत्तम समय के लिए, अवसर के लिए। मैं आप लोगों के सामने कैसे मैं प्रभु में आया, मैं छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम पुराना विष्णुराम प्रेमनाथ भंडारी था, अभी जेम्स राम भंडारी बोलते हैं, ज़्यादा लोग जेम्स राम ही बोलते हैं। पहले बॉर्न अप ब्रॉट अप मैं नेपाल सेंगजा बोल के एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं उसको, पैदीखोला गांव में मैं पैदा हुआ। और बचपन से ही हमारे परिवार के लोग जो है ब्राह्मण्स थे, तो इसलिए बचपन से ही पूजा पाठ करना मुझे सिखाया गया और मैं बचपन से ही देखते आया। और मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी कि मैं घर में पूजा पाठ करूं, पुजारी का काम करूं, ये पंडित का काम जो बोलते हैं वो करूं, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन दिल से मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ बाप की इच्छा थी कि मैं उस बात को करूं। तो उनके रीति रिवाज में मैं पला बढ़ा। 8वीं साल की जब मेरी उम्र हुई तो मेरा वर्तमान हुआ। वर्तमान उसको ये कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण ये जनेऊ डालने का एक रिवाज रहता है। जैसे मसीह लोग विश्वास करते हैं कि इवन मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आपने इति व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आप परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते, क्योंकि बाइबल भी ये कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। बाइबल के मुताबिक आप तभी उसके संतान बनते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होकर ग्रहण करते हैं। वैसे ही ब्राह्मण्स भी मेरे समय पर ब्राह्मण्स जब सपोज किसी ब्याह के लिए या कोई और फंक्शन के लिए लड़का हो या लड़की को देखने जाएं तो वो कहते थे, ब्राह्मण परिवार होने के बाद भी पूछते थे, क्या इसका वर्तमान हुआ? मतलब वर्तमान होने के बाद वो कहते हैं कि वो उनका विश्वास के अनुसार वो सही ब्राह्मण के अपने रीति रिवाज पर या सही पर वो हो गया, तो इसलिए वो पूछते थे। तो इसलिए मेरे 8वीं साल की उम्र में मेरी वर्तमान हुआ। उसके बाद मेरी दिनचर्या थोड़ा बदलती गई, मतलब सुबह मुझे उठना पड़ता था, नहाना पड़ता था, सुबह उठ के नहाया, थोड़ा सा गंगा का पानी, क्योंकि हफ्ते में एक बार गंगा में नहाने जाते थे तो गंगा का पानी लेके आते थे। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठे पहला नहाने से पहले ये जो गंगा का पानी लेके आए हैं उसको थोड़ा बाल्टी में हो या जो भी बर्तन में पानी रखा उसमें डाल के उस पानी से नहाते थे। और उसके बाद क्या बोलते हैं मंत्र जो सिखाया गया था मुझे वर्तमान के दिन, ये मंत्र को जपते थे। उसके बाद फिर कुछ पूजा करने के बाद और टीका लगाने के बाद या अमृत बोले या हमारी भाषा में प्रसाद वो देने के बाद ही फिर मैं स्कूल में जाने के लिए खाना खा के कपड़ा पहन के स्कूल में, ये मेरी दिनचर्या थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बिल्कुल ये क्या है कोई पता, कोई जानकारी मुझे नहीं थी। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये एक क्रिश्चियन बोल के एक लोग हैं जो हमारे भाषा में बोलते थे कि ये गाय खाने वाले लोग हैं, तो उनसे हमारी दिल से ही हम घृणा करते थे। वहाँ हमारे वहाँ कई भाइयों की हमारे उनकी बात चलती थी तो कहते थे इनके बारे में नेगेटिव नकारात्मक बारे ही बातें ही इनके बारे में बोला जाता था। तो मेरे दिल के अंदर से मसीहों के लिए बड़ी नफरत की भावना थी। तो जैसे मैं बढ़ता गया पूजा करता था जरूर, लेकिन उन नियमों का मैं पालन खरे रीति से पालन नहीं करता था। कारण वहां से मैं काफी दूर स्कूल में 5वीं क्लास हमारे गांव के पास के स्कूल में खत्म हुआ। उसके बाद 6वीं क्लास से दूसरी जगह में दूर करीब 6-7 किलोमीटर
हमें पैदल चल के 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के एक पहाड़ और वैली को चढ़ के क्रॉस करके मुझे स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल में भी उस समय काफ़ी रूढ़िवादी थी, मतलब छूत अछात माना जाता था। स्कूल से आने के बाद मुझे गंगा जल से छिड़काया जाता था और उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश करने देते थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति थी। जब एक दिन जब ये छुआछात मानने लगे, मैं अपने पुजारी से पूछा, बोला पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये क्या बात है कि मंदिर में भी जब ब्राह्मण आता है तो हमारे प्लेट से प्रसाद बड़े भक्ति के साथ लेता है, लेकिन जो दूसरे जात वाला भी मंदिर के पास आ रहा है और उसको प्रसाद मेरे प्लेट से लेने का हक नहीं है, वो दूर खड़े रहता है और मुझे उसको ऊपर से डालना पड़ता है, छूना भी मना है, ये मंदिर में भी ऐसा क्यों है? तो पंडित जी बड़े गुस्से हो गए, ठीक से लंगोटी पहनना नहीं आता और हमसे सवाल पूछने आ गया, चुप कर। तो मैं डर गया, पंडित जी का ये गुस्सा होना मैं बड़ा डर गया। उसके बाद मुझे सवाल पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल उठा, क्या ये परमेश्वर है जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसे मेरे माँ बाप लोग जो करते आ रहे हैं, जिसके लिए मुझे करने के लिए बाध्य करते हैं, क्या यही परमेश्वर है, क्या और कोई परमेश्वर है जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे मानव जाति को बनाया, सबका बनाने वाला सृष्टि करता तो एक परमेश्वर है, परंतु क्या यह परमेश्वर है जिसकी मैं उपासना करता हूं? कई हमारे देवता हैं, ग्रह देवता जिसको बोलते हैं, कहीं झांकरी देवता है, कहीं नाग देवता है, कहीं गरम सूर बोल के वहां है, साल में एक बार बकरे को काट कर वहां खून को चढ़ाते हैं, कहीं वहां हमारी भाषा में भक्कल मानना, मतलब इतना ये मेरा पूरा हो जाएगा तो यहाँ सोना का ये चढ़ाएंगे, वहाँ ये चढ़ाएंगे। कई जगह में मेरे घर के अंदर भी कई ऐसे मतलब मन्नत मान मान के कई बर्तन जो है जो बहुत इस्तेमाल किया जाता था, उन बर्तनों को लाल कपड़े में लपेट के वो मन्नत मान के उसको ऊपर चढ़ा देते थे, मतलब जब मन्नत पूरा होगा तब उस बर्तन को उठा लिया जाएगा। तो उससे पहले वहां जाके कभी सोना चढ़ाना है, पीतल चढ़ाना है, लोहा, क्या जो मन्नत माने रहते हैं उसको चढ़ाना पड़ता। तो ऐसी कई बातों से मेरा मन जो है बड़ा कंफ्यूजन में था, मैं दो दिमाग में था, ये क्या सच्चाई है, कौन परमेश्वर है, क्या यही परमेश्वर है, क्या और कोई है, ये सवाल मेरे अंदर था। लेकिन मेरे दिल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, दिल से मैं चाहता नहीं था कि मैं ये पुजारी बनूं, ये काम करूं। मैंने पिताजी से बोला मैं और पढ़ना चाहता हूं, कहीं जाऊंगा, मेरे को कहीं भेजिए, लेकिन वो मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं, मुझे यहीं वहीं पढ़ना है और ये वहीं की धार्मिकता में आगे बढ़ना है और गांव का जो काम है वो सब बातें करना है। उन्होंने मुझे ऐसा शिक्षा दिया और वैसे बढ़ाते गए। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं पढ़ूं या घर से निकलूं कैसे भी करके। तो एक दिन मैंने ऐसा योजना बनाया कि मैं घर से निकलूंगा। हमारे गांव से कुछ लोग दिल्ली वगैरह में निकलने वाले थे, मैं माँ बाप को बिना बताए वहां से मैं किसी के साथ नेपाल छोड़कर मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद मैं दिल्ली में दरियागंज बोल के एक जगह में हमारी पहचान के एक भाई थे, वहाँ रहता था। वहाँ एक दिन मेरे को ऐसा बोला गया कि मैं पिक्चर देख के आ रहा था वापस, तो घर का लड़का बोले देखो तुम्हारा पिताजी लेने आए हैं तुमको वापस ले जाने के लिए, जल्दी जाओ। तो मैं डर गया ये सुनते ही, डर के वापस दौड़ के बस स्टैंड में आया और जो बस मिली उसी में चढ़ा। चढ़ने के बाद पूछा ये बस कहाँ जाता है, बोले चंडीगढ़ जाता है। चंडीगढ़ जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था, पहली बार सुना था, वो बढ़ गया चंडीगढ़ वाला, गया उसी में चंडीगढ़ आके उतरा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई किसी चीज को कोई मालूम ही नहीं था। इतने में ऐसे घूमते घूमते देखा कि एक चौकीदार भैया मैं देखे, मेरे को देखने से लगा कि ये कहाँ नेपाल जैसे लगते हैं। मैं पूछा क्या आप नेपाल से हो, जब बोले हाँ मैं नेपाल से हूँ, मेरे में जान आ गई कि कोई तो मिला मेरे को। तो उन्होंने बोला भैया मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मेरे को थोड़ा सा सर झुकाने के लिए एक दिन की दो दिन के लिए जगह चाहिए। उन्होंने बोला, मैंने अपनी पूरी कहानी सच सच बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। तो वो भी गुस्सा हो गया, बोले तुमने गलत किया है, तुम वापस जाओ। मैं बोला भैया मैं वापस जाऊँगा, लेकिन मुझे दो दिन
आप कैसे भी रुकाओ, यहाँ आया हूँ तो कुछ देख लूँ। तो मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने पास रखा। रखने के बाद पिक्चर देखने के, अब नया नया आया था गांव में, तो कभी पिक्चर हमने सुना था, देखा कभी नहीं था। तो यहाँ भी पिक्चर हॉल खोलते खोजते गया, तो पिक्चर हॉल मिली, गया पिक्चर देखता, रोज पिक्चर देखना मेरा काम था। तो इतने में एक अकाउंटेंट नेपाली, अनिल कुमार बोल के एक भाई मलयाली जो केरला में से थे, वो मिले, वो वहाँ अकाउंटेंट थे, वो भी पिक्चर देखने में बड़े माहिर, और मैं भी, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, चोर चोर मसेरे भाई। तो हम लोग दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, समझे ना, अच्छी दोस्ती हो गई। तो इसने बोला, यार तू मेरे साथ रह, मैं मालिक से बोलता हूँ, मैं हमारे कंपनी में तेरे को कुछ छोटा मोटा काम मिल जाएगा। तो मेरे को तो सोने में सुहागा बोलते हैं ना, तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने बात किया, तो मुझे चपरासी के रूप में भर्ती कर दिए, वहाँ नौकरी मिल गई मेरे को। फाइल इधर उधर लाना है, सफाई वफाई करना है, और चाय वाय पिलाना है, तो चाय भी ऐसी फ्री मिल जाती थी, दोपहर का खाना भी मिल जाता था, मेरे लिए तो सोने में सुहागा हो गया। तो वहीं फिर मैं हमारे नेपाली भाई को छोड़कर अनिल के साथ में रहने लगा, रोज पिक्चर जाने लगा। इतने में, लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बोलते जा रहा हूँ लग रहा है, तो मैं इनकी पिताजी की, अनिल कुमार के पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने बोला कि मैं विष्णु, मैं जा रहा हूँ केरला, अगर तेरे को आना है तो मेरे साथ चल सकते हैं, मैं केरला दिखा देता हूँ। तो फिर एक डर था कि नौकरी छूट जाएगी, तो फिर उन्होंने जब बोला तो नौकरी तो और कोई मिल जाएगी, ऐसी नौकरी मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगी, तो फिक्र मत करूँ। फिर मैं सोचा छोड़कर उनके साथ, ऐसे में केरला में पहुंचा। केरला में पहुंचने के बाद इसने बोला कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन पिताजी का दुकान मैं संभालूंगा और उनका बिजनेस जो है वो संभालूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तू यहाँ रहना चाहता है तो रह जा। मैं बोलकर उन्होंने बोला, तो मुझे उनका भाई को एक सरकारी नौकरी मिल गया अनिल कुमार का, और मुझे जो भाई एक साबुन का कंपनी में काम करता था, साबुन पैक करने का, तो छोटी सी नौकरी थी, उसमें बोला अगर तू चाहे तो यहाँ मिल जाए। तो मैं उनकी बात मानकर वहां ज्वाइन हो गया एर्नाकुलम में। इतने में जब वहां काम करता था, मैंने कभी स्मोकिंग नहीं किया था, कभी दारू नहीं पिया था, लेकिन यहां दोस्तों के साथ एर्नाकुलम में ये सब स्मोकिंग सीख गया और दारू पीने सीख गया, और थोड़ा सा मैं रास्ता से भटक गया, थोड़ा सा क्या, पूरा ही भटक गया। लेकिन वो मैनेजर जिसमें मैं, मेरा हमारा सुपरवाइजर जो था, वो जो है बहुत ही एक सिद्धांतिक आदमी था। मैं उस समय छोटा सा लड़का था, सोचिए 16-17 साल का लड़का, क्या छोटा सा लड़का था, और उस समय बोलते थे कि ये देखने में बड़ा अच्छा लगता, स्मार्ट था बोलते हैं उस समय, अभी तो इतना उम्र हो गया तो स्मार्ट सब चला गया, तो बोलते थे तो देखने से लगता है कि तो अच्छा कोई परिवार का है, तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे इतनी छोटी सी उम्र में दारू पी रहा है तो क्या अच्छा कर रहा है। उन्होंने बहुत डांटा और समझाया मुझे, और मैं समझा मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ने की कोशिश करता था, छूटता नहीं था। एक दिन छोड़ देता, दो दिन छोड़ देता था, उस समय पानामा सिगरेट सिर्फ 10 पैसा में मिलता था एक पानामा। तो मैं सोचा कि भाई ये 10 पैसा का मैं किसी का थोड़ी खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, किसी को क्या तकलीफ है, अपने आप किसी से नहीं, मन में ऐसा बोलकर। तो दारू भी ऐसे अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ज्यादा थोड़ी पी रहा हूँ, कभी कभी पीता हूँ, ऐसा करके दो दिन छोड़ता, तीन दिन छोड़ता, उसके बाद फिर करता, ऐसा मैं हो रहा था। इतने में कि मैनेजर, ये सुपरवाइजर फिर से मुझसे पूछे कि तुमने छोड़ा, तो मेरी मुंडी नीचे हो जाती थी, तो मेरे को बड़ी गिलानी हुई। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया, बेटा तुम एक काम करो, ये जगह तुम छोड़ दो, तुम अपने दोस्ती को छोड़ो, ये नौकरी भी छोड़ो। मन में आया मैं कितने को छोड़ूं, कहां कहां छोड़ूं, क्या करूं, लेकिन फिर भी इनकी बातों को मैंने लगा, मेरा एक दोस्त है ट्रिवांड्रम में, वो तुम्हें कुछ अच्छा काम बताएगा, वो क्रिश्चियन है, वो तुम्हें अच्छा मार्ग बताएगा, तुम्हारे लिए कोई रास्ता खोलेगा, तुम ये काम करो, ये छोड़ो। उनकी बात को मानकर, वहां छोड़कर, उनके बताए के अनुसार मैं ट्रिवांड्रम बोल के एक जगह है केरला में, वहां कैपिटल, वहां पर चला गया। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर माणी बोल के थे, उन्होंने कहा, इनके दोस्त ने जो माने हैं, उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम टेक्निकली कुछ सीखो, सीखने के बाद तुम, आजकल तो लोग बाहर जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, तुम्हारी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एंड यू कैन मेक ए गुड लाइफ, तुम अपनी जिंदगी अच्छे बना सकते हो, माँ बाप को तुम अच्छा सहायता कर सकते हो, जिंदगी में तुम कुछ बन सकते हो, मेरी इच्छा यह है कि तुम टेक्निकली कुछ सीखो, मेरा दोस्त ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है, तो तुम ऐसा करो। तो
वो मुझे एक जयमादा टेक्निकली जो